रामायण से जुड़ी बहुत सी और कहानियाँ आपसे साझा करना चाहूँगा। एक कहानी हनुमान को लेके है। राम का राज्याभिषेक हो चुका है, हनुमान शांत बैठे हैं। राम को लगता है कि ये प्रसन्न नहीं है जितना इनको होना चाहिए। वो कहते हैं कि हनुमान, मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया, तुम्हें कुछ नहीं दिया, क्या चाहते हो? कहते प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए, बहुतेरा मनाया लेकिन वो कुछ भी लेने से मना कर देते हैं। तो राम कहते हैं अच्छा ऐसा है, जब मैं यहां से जाऊंगा तो तुमको वैकुंठ धाम अपने साथ लेके जाऊंगा, कितनी बड़ी बात है। हनुमान कहते हैं कि आप मुझे वहां पर राम रूप में ही मिलेंगे? कहते नहीं भाई, वहां पर तो मैं राम रूप में नहीं हूंगा, वहां पर तो मैं महाविष्णु के अपने रूप में आ जाऊंगा। कहते राम रूप नहीं होगा? कहते नहीं, राम रूप नहीं होगा। कहते फिर प्रभु मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, मुझे वैकुंठ लोक नहीं जाना है, मैं तो इसी रूप के पीछे रहूंगा। और कहानी यह है कि वो वैकुंठ जाने से उन्होंने मना कर दिया था। हर चरित्र हमको बहुत कुछ सिखा कर जाता है। हनुमान से जुड़ी एक और कहानी है। जब लंका का युद्ध हो गया था तो एक एक करके उन्होंने सारे जो अपने मित्र थे सबको विदा कर दिया था, अंगद को, सुग्रीव को, बाकी सब लोगों को विदा कर दिया था, हनुमान ने जाने से मना कर दिया था। तो दरबार में रहते थे, प्रेम बहुत था, नारद को कहीं भी बहुत शांति अच्छी नहीं लगती, तो उनको लगा कि इनका संबंध थोड़ा खराब किया जाए। राम के दरबार में बहुत से ऋषि मुनि पहुंचे, उनमें विश्वामित्र भी थे, तो उन्होंने हनुमान के पहले कान भर दिए कि देखिए ये तो क्षत्रिय है, ब्राह्मण भी नहीं है, मारकाट बहुत करते हैं, तो इनको नमस्कार नहीं करना चाहिए आपको। तो हनुमान ने उनको नमस्कार नहीं किया। विश्वामित्र का क्रोधित स्वभाव प्रसिद्ध रहा है, उन्होंने राम से कहा कि इसको मृत्युदंड दीजिए। गुरु थे, आज्ञा नहीं टाली जा सकती थी, बहुत प्यार करते थे, भारी मन से उन्होंने कह दिया कि इसको तीरों से बेध दिया जाए। तो राम की सेना ने हनुमान पर तीरों की वर्षा कर दी, लेकिन उनको कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो उस वक्त राम राम का जाप कर रहे थे। राम ने खुद उनके ऊपर आक्रमण किया लेकिन काम नहीं आया, उनको चोट नहीं लगी, यहां तक के अंत में राम ने ब्रह्मास्त्र भी चलाया उनके ऊपर, लेकिन क्योंकि वो राम राम का जाप किए जा रहे थे उनको तब भी उसका असर नहीं हुआ। तब फिर उनकी ये शक्ति देखकर विश्वामित्र ने अपने जो आज्ञा दी थी उसको वापस लिया। इसीलिए कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो जो उसके ऊपर लेकर चल जाते हैं वो बहुत दूर तक की यात्रा कर पाते हैं। हनुमान की तो इस तरह की बहुत सी कहानियाँ हैं। आपको पता है हनुमान का नाम बजरंग बली कैसे पड़ा था? एक बार उन्होंने, हनुमान जी ने सीता को मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा, तो उन्होंने पूछा कि माता आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो उन्हें कहते कि इसको लगाने से राम की उम्र लंबी होती है, मेरा सुहाग लंबा होता है, इससे उनको जीवन मिलता है। कहते अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे लगाने से मिल जाता है। तो उन्होंने पूरे बदन पे सिंदूर पोत लिया था और उसको देख के रामचंद्र जी बहुत जोर से हंस पड़े थे। तो उन्होंने, राम ने उनको बजरंग यानी सिंदूर के रंग वाला बलि का नाम दिया था, इसीलिए हनुमान जी के मंदिर में उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं।